प्रेमियों, महाभारत के किस्से से गौहरण के प्रसंग की कुछ रागनियां आपके मनोरंजन के लिए आपकी सेवा में पेश करता हूं। पांडव अपने चचेरे भाई कौरवों से जुए में सब कुछ हार गए थे। इस शर्त के मुताबिक उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास बिताना था और ये तय कर दिया गया कि यदि अज्ञातवास के समय में कौरवों ने उन्हें ढूंढ लिया तो सजा के तौर पर फिर 12 साल का वनवास भोगना होगा। तो 12 साल का वनवास बिताकर पांडव वैराट नगर में राजा कमल नयन के यहाँ नौकरी किया करते थे और भेष बदल कर रहते थे। इस प्रकार से वे अज्ञातवास का समय बिता रहे थे। द्रौपदी दासी के भेष में थी, उसका नाम शैलेंद्री था। भीम रसोईया तथा अर्जुन हिजड़े के भेष में बच्चों को पढ़ाया करता था। नकुल गाय चराया करता था और सहदेव घोड़ों का सहीस था तथा धर्म राजा को चौपड़ सार खिलाता था। राजा कमल नयन का साला कीचक द्रौपदी के साथ बदतमीजी से पेश आया तो भीम ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इधर जब इस घटना का कौरवों को पता चला तो उन्होंने ये पक्का विश्वास कर लिया कि भीम के सिवा कीचक को कोई नहीं मार सकता, तो पांडव जरूर वैराट नगर में ही हैं। इसलिए कौरव यानी के दुर्योधन व द्रोणाचारी भीष्म कर्ण आदि सब के सब पांडवों को ढूंढने के वास्ते वैराट नगर के जंगल में आ गए। वहां गाय चराने वाले ग्वालों से दुर्योधन ने गाय छीन ली और उनकी पिटाई की और ग्वालों से कह दिया कि जाओ अपने राजा से कह दो कि या तो राजा कमल नयन अपनी बेटी उत्तरा कुमारी का डोला दुर्योधन को दे दे या फिर युद्ध करके गवों को छुटा कर ले जाए। तो ग्वाले रोते हुए आए और राजा के महल में आकर दुर्योधन की हरकत के बारे में क्या बताते हैं। रोके पाड़ी न्यू बोले यहाँ एक दुर्योधन आया हमें पीट के गऊ खोसली किस रही मारी काया रोके पाड़ी न्यू बोले यहाँ एक दुर्योधन आया हमें पीट के गऊ सीम पे डेरे डाल दिए और गर्जा गंधारी का करण के मन में मान घना जिसे कह देते क्वारी का सूरज सारथ चमक रहा मस्तक द्रोणाचारी का सबसे ज्यादा डर बतलाया भीष्म बलकारी का सबसे ज्यादा डर बतलाया भीष्म बलकारी का डोला उतरा क्वारी का डोला उतरा क्वारी का न्यूसीम पे मंगवाया हमें पीट के गऊ भोसली तीस रही मारी काया रोके पड़ी न्यू बोले यहाँ एक दुर्योधन आया हमें पीट के गऊ आया
धनुधारी है, बुरी सर्वा कृपाचारी विद्या में बड़े भारी है। मारी गैल में युद्ध करें या उनकी फुल तैयारी है, मारी गैल में युद्ध करें या उनकी फुल तैयारी है। सीन के ऊपर कैरो ने, सीन के ऊपर कैरो ने अपना बिगले बजाया, हमें पीट के गौ खोसली पीस रही मारी काया। रूखे पड़े यू बोल रहा एक दुर्योधन आया, हमें पीट के गौ खोसली पीस रही मारी काया। हमारे बस की जितनी थी सब बेट की बात कही हमने, जो कुछ उनकी मनसा थी अच्छी ढाल ही हमने। जब कुछ पार बसाई ना तो नगर की डगर गही हमने, बैठा दे हम हीने थे तकरार में मार सही हमने, बैठा दे हम हीने थे तकरार में मार सही हमने। जो कुछ बिता हमारी साथ में, जो कुछ बिता हमारी साथ में सारा हाल बताया, हमें पीट के गौ खोसली पीस रही मारी काया। रूखे पड़े न्यू बोले यहाँ एक दुर्योधन आया, हमें पीट के गौ खोसली पीस रही मारी काया। सब धरती सी फिर गई, आंखों में पानी टपके था बादली सी झिरेगी। चोर भोर हुई रानी की काया घेरे में घिर गई, गम से ज्ञान रहा ना तन का तामस आया गिरेगी, गम से ज्ञान रहा नातन का तामस आया गिरेगी। कह रघुनाथ गुरु मान सिंह, कह रघुनाथ गुरु मान सिंह ने सारा भ्रम मिटाया, हमें पीट के गौ खोसली चीस रही मारी काया। रूखे पड़े न्यू बोले यहाँ एक दुर्योधन आया, हमें पीट के गौ खोसली पीस रही मारी काया। लेकिन वैराट भूप राजा कंवल नयन तो इस समय युद्ध करने के लिए बाहर गया हुआ था और उसकी गैर मौजूदगी में दुर्योधन ने युद्ध का ध्वंस बजा दिया तो रानी सुदेशना घबरा गई। महल में एकदम शोक का सन्नाटा छा गया। दासी शैलेंद्री यानी द्रौपदी ने अपनी मालकिन का बुरा हाल देखा तो उसका धीरज बंधाती है, कहती है कि महारानी, आप गाय छुटवाने के वास्ते होने वाले युद्ध का ज्यादा फिक्र मत करो, इसका उपाय आपको मैं बता दूंगी। आपकी लड़की उत्तरा कुमारी को जो अध्यापक यानी के हिजड़ा पढ़ाता है, यदि आप उसके सामने यह समस्या बताएं तो वह स्वयं इस युद्ध को करके गाय छुड़ा सकता है। तो इस बात को सुनकर तो राजकुमारी उत्तरा कुमारी
तुरंत अपने गुरुजी के पास जाती है और हिजड़े यानी के गुप्त वेश में अर्जुन से क्या कहती है। हस्तनापुर के दुर्योधन ने आकर के गऊ घेरी, बचती हो तो लाज बचा लेना, चल दी चेली तेरी। हस्तनापुर के दुर्योधन ने आकर के गऊ घेरी, बचती हो तो लाज बचा लेना, चल दे चल तेरी। जब से पढ़ती पास गुरु जी रहती तेरी टहल में, पुस्तक ने ठा के फूकू जड़ी, दर दू राख रहल में। गऊ घेर ली दुर्योधन ने, हुआ भारी शोक महल में। तने बुलावन आई सुगुरु, चलियो मेरी गैल में, चलियो मेरी गैल में। जो ना चलो साथ मेरी तो हो, जो ना चलो साथ मेरी तो करूं जान की ढेरी। बच्ची हो तो लाज बचा लेना, चल दे चल तेरी। हस्तनापुर के दुर्योधन ने आकर के गऊ घेरी, बचती हो तो लाज बचा लेना, चल दे चल तेरी। चेहरा पड़ जा धोला, मारी गऊ नहीं छुटेंगी नू, मच्चा शहर में रोला। मेरे लिए तू ब्रह्मा विष्णु और तू ही शिव जी भोला, के जीना जय हस्तनापुर जा, तेरी चेली का डोला, तेरी चेली का डोला। एक सहारा तेरा है ना, ओ, 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 एक सहारा तेरा है ना, चारों ओर अंधेरी। बचती हो तो लाज बचा लेना, चल दे चल तेरी। हस्तनापुर के दुर्योधन ने आकर के गऊ घेरी, बच्ची हो तो लाज बचा लेना, चल दे चल तेरी। कैरो घाती बन जा, जब दहशत हो जाए गुरु, आखे कभी हाथी बने जा। वो राम बराबर लग से बिगड़ी मैं साथी बन जा, मैं चरण पकड़ के लेट गई गुरु,
मेरा हिमाती बन जा, मेरा हिमाती बन जा। जो मदद करण ते नाट गया ते हो, जो मदद करण ते नाट गया ते नार काट ले मेरी बच्ची हो तो लाज बचा लेना चल दी जेल तेरी। हसनापुर के दुर्योधन ने आकर के गऊ घेरे बच्ची हो तो लाज बचा लेना चल दी जेल तेरी। आज टूटती दिखे विराटपुरी की राजधानी गुरु आज उठती दिखे। किता लड़न गए सुशर्मा से कौ नहीं छूटती दिखे। उस बुढ़े दुर्योधन ते मेरी तकदीर फूटती दिखे, तकदीर फूटती दिखे। कुछ जोर समझ के आ पहुंची मैं हो, कुछ जोर समझ के आ पहुंची ना ते दुनिया बसे भतेरी बच्ची हो तो लाज बचा लेना चलती जेल तेरी। हसनापुर के दुर्योधन ने आकर के गौ घेरे बच्ची हो तो लाज बचा लेना जल्दी जेल तेरी। हिजड़े के गुप्त भेष में महारथी अर्जुन ने अच्छी तरह से समझ लिया कि जरूर दुर्योधन अपनी फौज के साथ हमारे से ही युद्ध करने के लिए आया है। तो अपनी शिष्या उत्तरा कुमारी से कहता है कि बेटी मैं तेरी और तेरे पिता राजा कमल नयन की लाज जरूर बचाऊंगा। तो इस प्रकार हिजड़े के भेष में अर्जुन ने राजा के लड़के यानी उत्तरा कुमारी के भाई उत्तरा कुमार को युद्ध क्षेत्र में चलने के लिए तैयार कर लिया। स्वयं रथवान बनकर रथ में बैठ गया। औरतों ने जनाने भेष में हिजड़े को देखा और ये सोचकर आश्चर्यचकित रह गई कि एक हिजड़ा आज राजकुमार के साथ युद्ध क्षेत्र में जा रहा है। तो उस समय का कवि ने क्या वर्णन किया है। रथ में हुआ सवार सवर के कमल नैन का छोरा चला हिजड़ा लड़ने अचंभा सब तिरियो ने होरा। रथ में हुआ सवार सवर के कमल नैन का छोरा चला हिजड़ा लड़ने अचंभा सब तिरियो ने होरा। काम क्रोध मद अहंकार की काया के मभूल लगी। और के रह में जो कंचे बोवे तो आखिरी उसके सूल लगी। इतने तेज चले थे घोड़े आसमान में धूल लगी। रथ का खुड़का ईसा हुआ, रथ का
ऐसा जने उठ के बादल खोरिया चला ही देड़ा लड़ने अचंबा सब त्रियो ने हो रहा रथ में हुआ सवार सवर के कवर लड़ का थोरा चला ही देड़ा लड़ने अचंबा सब त्रियो ने हो रहा लड़ने का मन में बारी उठाऊं माया जगी जवाला सीने में फिर सरनाटा सछाया दोनों भुजा एकदम फड़की बड़ी जहर में काया आँखों के मा चमकण लाग्या आँखों के मा चमकण लाग्या लाल लहू कटोरा चला ही देड़ा लड़ने अचंबा सब त्रियों ने हो रहा रथ में हुआ सवार सवर के कवर्णन का छोरा चला ही देड़ा लड़ने अचंबा सब त्रियों ने हो ख्याल हुआ जी छत्रापन का जो सूझा मन मैल मलाल हुआ जी आगा पीछा कुछ ना सूझा हाल बेहाल हुआ जी बेधड़क बड़क के सड़क सड़क कुंती का लाल हुआ जी छत्री शेर नाग के फण में छत्री शेर नाग के फण में जहर का भरा कटोरा चला ही देड़ा लड़ने अचंबा सब त्रियों ने हो रहा रथ में हुआ सवार सवर के कवर्णन का छोरा चला ही देड़ा लड़ने अचंबा सब त्रियों ने हो भर दे कटके पड़ दे खोल भवानी और गाने कबर दे गुरु मान सिंह के चरणों में रघुनाथ अपना सर दे चित में चेत खेत्रण जंग में शिव जी रक्षा कर दे प्रथम पुत्र वीर अर्जुन ने प्रथम पुत्र वीर अर्जुन ने मन में सुमरी गोरा चला ही देड़ा लड़ने अचंबा सब त्रियों ने हो रहा रथ में हुआ सवार सवर के कवर्णन का छोरा चला ही देड़ा लड़ने अचंबा सब त्रियों ने हो हिजड़े के भेष में छिपे रथवान अर्जुन ने रथ को पवन वेग से उड़ा दिया और बियाबान जंगल में एक जगह पर रथ अचानक ही रोक दिया। शमशान में एक शमी का पेड़ था, उस पर अर्जुन ने अपने सभी शस्त्र छिपाकर टांग रखे थे। तो उत्तरा कुमार को आदेश दिया कि राजकुमार तुम जाओ और उस पेड़ पर से धनुष बाण शंख और चक्र चार शस्त्र उतार कर ले आओ, मैं तुम्हारी तब तक यही इंतजार करता हूं। तो लड़का उत्तरा कुमार जैसे ही पेड़ पर चढ़कर शस्त्र उतारने लगता है तो अचानक ही क्या हुआ सारा हाल इस रागिणी में सुनिए।
तेज पवन से घोड़े दौड़े, गरद गई आसमान में, कठिन लड़ाई जान सुबटने, रथे रो क्या बियाबान में, तेज पवन से दौड़े दौड़े, गरद गई आसमान में, कठिन लड़ाई जान सुबटने, रथे रो क्या बियाबान में, शमी के पेड़ पे शमशानों में शस्त्र दर रखे थे, शीतल शांत शस्त्र वीर ने कुछ समय को कर रखे थे, खेल जुए का खेल जगत में सब दुख भर रखे थे, जान पटन के डर के मारे जर में जर रखे थे, जान पटन के डर के मारे जर में जर रखे थे, उल्लू कूटबे को तेरी बोले, उल्लू कूटबे को तेरी बोले, हे शमशान सुबटने, रथे रो क्या बियाबान में, हाँ अर्जुन बोला लड़के से तू मत दिल में घबराइए, शमी के पेट पे शस्त्र चार शीघ्र तार के लिए, शंख चक्र और धनुष बाण तू कर परिणाम उठाइए, जितने शस्त्र और धरे तू मत ना हाथ लगाइए रे, जितने शस्त्र और धरे तू मत ना हाथ लगाइए, फिर बेखटे के रथ में आ जा, फिर बेखटे रथ में आ जा, ध्यान लगा भगवान में, कठिन लड़ाई जान सुबटने, रथ रो क्या बियाबान। और जैसे ही लड़का शस्त्र उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ा, शस्त्रों के हाथ लगाया तो भयंकर शस्त्र एक दूसरे से टकरा गए, खनन खनन धड़म धड़म की आवाज हुई तो राजकुमार घबराकर पेड़ के नीचे गिर गया। इस तरह से हाँ सुन अर्जुन की बात, एकदम चढ़ा पेड़ पे लड़का, हाथ लगाते ही बाण एकदम नाग की तरिया भड़क्या, गंडीव धनुष हला जब घोरा जने बादल का खड़का, काया कांप गई एकदम से हुया पेट में तड़का रे, काया कांप गई एकदम से हुया पेट में धड़का,
हाथे छुटे ओरे नीचे गिरे गया, हाथ छुटे ओरे नीचे गिर गया, गुड़ झटे पड़ी रे जबान में, कठिन लड़ाई जान सुबटने रथ रो क्या बिया बान। तो लड़का शस्त्रों से डरकर दौड़कर अर्जुन के पास आता है और क्या कहता है, हाँ लड़का बोलिया, लड़का बोलिया अर्जुन से ना वेद हिजड़े पाया, मेरी तेरी क्या है पैज जो मेरा मरना चाहया, बाण नहीं है नाक लटक रहा जहां तने बाण बताया, हाथ लगाते ही फुंकारा और खान चला मुंह बाया रे, हाथ लगाते फुंकारा और खान चला मुंह बाया, कह रुग्नाथ वेद मिले जा, कह रघुनाथ वेद मिले जा, गुरु मान सिंह के ज्ञान में, कठिन लड़ाई जान सुबटने रथ रो क्या बियाबान में, तेज पवन से गोड़े दो आसमान में, कठिन लड़ाई जान सुबटने रथ रो क्या बियाबान में। अर्जुन अपने शस्त्रों को लेकर उसी स्थान पर आकर डट गया जहां दुर्योधन व उसके सहयोगी गायों को घेरे हुए खड़े थे। अर्जुन के भयानक शस्त्रों को देखकर तथा सामने दुर्योधन की भोज को देखकर लड़का उत्तरा कुमार डर जाता है, कहता है कि हिजड़े अपने बल से तो सब बाहर की बातें हो गई, जहां धनुष बाण चक्र जैसे शस्त्र इस्तेमाल होंगे तो मैं उस युद्ध में ठहर नहीं सकता। तो अर्जुन उत्तरा कुमार को धैर्य देता है कि राजकुमार तू केवल रथ में बैठा रहे, मैं खुद लड़ूंगा, और अब मैं तुझे अपना सारा परिचय बताता हूँ कि मेरा नाम योद्धा अर्जुन है और मेरे 10 नाम हैं। और फिर अर्जुन लड़के को क्या बताता है, रथ से उल्टा भागने का, ना छतरी का काम, सुने तो सुनाऊं तने अर्जुन के 10 नाम, रण से उल्टा भागने का ना छतरी का काम, सुने तो सुनाऊं तने अर्जुन के 10 नाम, रण से उल्टा भागने का ना छतरी का काम, नक्षत्र में है पड़ा नाम, दूसरा अर्जुन है माँ बापा का लाड बड़ा नाम, तीसरा मेरा धनंजय हो कहने निर्लोभ लड़ा, चौथा नाम मेरा है पारथ पर
पर स्वार्थ में सदा अड़ा, दूसरों के दुख में खड़ा, दूसरों के दुख में खड़ा, रक्षा करता राम रण से उल्टा बागने का, ना छतरी का काम। सुने तो सुनाऊं तने अर्जुन के दस नाम, रण से उल्टा बागने का, ना छतरी का काम। धज मेरे रथ की लाल झंडी, हनुमान का चिन्ह धजा पे बैठी रहती चंडी, बाणों से बाण जला दिया और ना छोड़े पाखंडी, बड़े बड़े दाने मार दिए नु नाम हुआ बनखंडी। मेरे मन की माया मंडी, मेरे मन की माया मंडी, आनंद भरे गोदाम, रण से उल्टा बागने का, ना छतरी का काम। सुने तो सुनाऊं तने अर्जुन के दस नाम, रण से उल्टा बागने का, ना छतरी का काम। हाँ नाम आठवा गुड़ा केस नित करता ज्ञान विचारूं, शिव शंकर का चक्कर है ना मैं दुश्मन से हारूं। नौवा नाम है कृति मेरा ताजिंदर का धारूं, चिकला गऊ छुटा दूंगा सारे कैरो को मारूं, दसवा कृष्ण नाम पुकारूं, दसवा कृष्ण नाम पुकारूं, मिंतर है घन श्याम, रण से उल्टा बागने का, ना छतरी का काम। सुने तो सुनाऊं तने अर्जुन के दस नाम, रण से उल्टा बागने का, ना छतरी का काम। राजा द्रौपदी जाई, कीचक जिसने मारा रसोईया वह भीम बलदाई, नकुल सधा व घोड़े ने और सहदेव ने गाय चराई, तेरे बाप को जुआ खिलावे मेरा युधिष्ठर भाई, नू रघुनाथ कथा में गाई, रघुनाथ कथा मैं गाई, गुरु मान सिंह सत धाम, रण से उल्टा बागने का, ना छतरी का काम। सुने तो सुनाऊं तने अर्जुन के दस नाम, रण से उल्टा बागने का, ना छतरी का काम। इस प्रकार एक तरफ तो अर्जुन व उसका घबराया हुआ साथी राजकुमार उत्तरा कुमार, तथा दूसरी तरफ दुर्योधन भीष्म कर्ण द्रोणाचारी आदि योद्धा आमने सामने डट गए। पितामह भीष्म ललकारता है अर्जुन को कि अर्जुन, हमने तुम्हें इस हिजड़े के भेष में साफ पहचान लिया है,
अब जुए की शर्त के अनुसार तुम्हें अज्ञातवास के दौरान ढूंढ लिया गया, इसलिए फिर 12 साल का वनवास तुम्हें भोगना होगा। और अब तू इन शस्त्रों को यहाँ से लेकर मेरे सामने से भाग जा, नहीं तो मेरे हाथ से आज तेरी मौत हो जाएगी। और ललकारता हुआ बाबा भीष्म अर्जुन से क्या कहता है। अर्जुन के सुख पावे मरे के भीष्म जी ने बाण हाथ में लिया क्रोध में भर के जान बचा के भगजा अर्जुन के सुख पावे मरे के जान बचा के भगजा अर्जुन के सुख पावे मरे के ओ मेरा यकीन नहीं से बाण मार के बींद दई ये मरी हुई मीन नहीं से मेरे आगे से भगने में तेरी तो ही नहीं से मेरे आगे से भगने में तेरी तो ही नहीं चीन रोस जा पान विभागे चीन रोस जा पान विभागे मेरे पानों ते डर के जान बचा के भग जा अर्जुन के सुख पावे मरे के पावे मरे के जान बचा के भगजा अर्जुन के सुख पावे मरे के भर में घूम लिया मेरी रोक और टोक नहीं से रन में आके मेरे जिगर में हर्ष और शोक नहीं से बन कहीं जिड़ा रन में आया ये सांग का चोक नहीं से बन कहीं जिड़ा रन में आया ये सांग का चोक नहीं से बाण चले जब धरती भी तो बाण चले जब धरती भी पाताल लोक में करके जान बचा के भगजा अर्जुन के सुख पावे मरे के पावे मरे के जान बचा के भगजा अर्जुन के सुख पावे मरे।
हमला लड़ने क्यों आया तेरे कोई भी साथ नहीं से मेरी गैन में तू युद्ध करे तेरी औकात नहीं से मेरे हाथ से मरना भी तेरी अच्छी बात नहीं से मेरे हाथ से मरना भी तेरी अच्छी बात नहीं के मिल जागा कुंती के रे के मिल जागा कुंती के मेरे सर पे ओ दस दर के जान बचा के भग जा अर्जुन के सुख पावे मरे के भी समझी रे बाण हाथ में लिया क्रोध में भर के जान बचा के भग जा अर्जुन के सुख पावे मरे के ओ जान बचा के भग जा अर्जुन के सुख पावे मरे के हाँ अनखाए से अनखाए से मन बदले पानी पीने से बाणी वो नर पशु समान जिन्होंने कोन्या समय पिछाणी बिछड़े पछे फिर मिलना समय हाथ ना आनी अमर नहीं कोई दुनिया में बस रह जा अमर कहानी अमर नहीं कोई दुनिया में बस रह जा अमर कहानी तू रघुनाथ जीत रण जंग में तू रघुनाथ जीत रण जंग में ज्ञान गुरु का करके जान बचा के भग जा अर्जुन के सुख पावे मरे के समझी ने बाण हाथ में लिया क्रोध में भर के जान बचा के भग जा अर्जुन के सुख पावे मरे के जान बचा के भग जा अर्जुन के सुख पावे मरे के पितामह भीष्म के कड़वे कड़वे बोल सुनकर अर्जुन को भी क्रोध आ जाता है। उसकी आंखों के सामने वे सब एक के बाद एक दृश्य घूमने लगे जिसमें उनके साथ में कैरों ने बड़े बड़े अत्याचार किए थे। तो अर्जुन बाबा भीष्म को भी ललकारता हुआ और उल्टा क्या कहता है, भल्ला सा चुभ गया गात में कैसी बात सुनाई भूल नहीं सकता बाबा मेरी सभा में नार बुलाई सभा में नार बुलाई भल्ला सा चुभ गया गात में कैसी बात सुनाई भूल नहीं सकता बाबा मेरी सभा में नार बुलाई सभा में नार बुलाई हकदार का हक ना देता तू बटन आला हो गया मीठा मीठा बोल मारी जड़े बटन आला हो गया बिना खता दे बता हमें क्यों डटन आला हो गया कैरो को दिया राज सौंप हमें नाटन याला हो गया हाँ कैरों को दिया राज सौंप हमें नाटन याला हो गया तीर उठा मेरे
सामी तेरी देखूंगा मरदाई, भूल नहीं सकता बाबा मेरी सभा में नार बुलाई, सभा में नार बुलाई। हाँ सुनना तो तने, सुनना तो तने फेंक दिया और कांच देखना चाया, झूठ के ऊपर कायम हो गया ना सांच देखना चाहया, ना सांच देखना चाहया। 101 का तू बन बैठा ना पांच देखना चाहया, पतिव्रता मेरी रानी का तने नाच देखना चाहया, रे नाच देखना चाह। हाँ भूखे प्यासे से फिरे थे भटके थे, भूख प्यासे फिरे थे भटकते भीख मांग के खाई, भूल नहीं सकता बाबा मेरी सभा में नार बुलाई, सभा में नार बुलाई। कदे कदे मारी फरके थी लाखों करोड़ों की झंडे, दुर्योधन को राज सौंप तने करी आत्मा ठंडे, हस्तनापुर के लोग मने अब कहन लगे पाखंडे, द्रौपदी रानी का पापी तने नाम धरा दिया रंडे। हाँ द्रौपदी रानी का पापी तने नाम धरा दिया रंडे, पचो भाई करते कजे जरा शर्म नाई, भूल नहीं सकता बाबा मेरी सभा में नार बुलाई, सभा में नार बुलाई। हाँ छत्री कैसे होते हैं तू जात देख के जाइए, तेरे सामी दिन है दिन की रात देख के जाइए, रात देख के जाइए। बाबा जी इस छोरे के तू हाथ देख के जाइए, पतिव्रता नारी का नंगा नाच देख के जाइए, नाच देख के जाइए। गुरु हो मान सिंह सिद्ध कर देंगे, गुरु मान सिंह सिद्ध कर दे रघुनाथ तेरी कविताई, भूल नहीं सकता बाबा मेरी सभा में नार बुलाई, सभा में नार बुलाई। भला सा चुप गया गात में कैसी बात सुनाई, भूल नहीं सकता बाबा मेरी सभा में नार बुलाई, सभा में नार बुलाई। प्रकार दोनों पक्षों में घमासान युद्ध होता है, जिसमें कौरवों की हार हुई और अर्जुन राजा कमलनयन की सब गाय छुड़ा कर ले आया। प्रेमियों,
ये किस्सा अब यहीं समाप्त होता है।